रैंक पुश करना आज के टाइम पे इतना इजी हो चुका है, कोई भी बंदा यहाँ पर आज के टाइम पे ग्रैंड मास्टर लगा लेता है। बट आज की इस वाली वीडियो में हम यहाँ पर बिना गन के रैंक पुश करने वाले हैं। बोले तो यहाँ पर हम MP40 भी यूज़ नहीं कर सकते एंड उसी के साथ MP5 भी यूज़ नहीं कर सकते एंड XM8 भी यूज़ नहीं कर सकते। मतलब कहने का मतलब ये है हम यहाँ पर कोई भी गन यूज़ नहीं कर सकते। बट बिना गन यूज़ करें यहाँ पर हम BR में रैंक पुश कैसे कर सकते हैं एंड उसी के साथ हम यहाँ पर भुया निकाल पाते या फिर नहीं, वो तो आपको मैच के लास्ट में पता लगेगा। एंड करेक्टर इसके की बात करें तो हमने यहाँ पर ये वाली करेक्टर स्किल यूज की है। चलो बिना देरी के आज के इस चैलेंज वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। एंड ओके, यहाँ पर हम प्लेन में तो आ चुके हैं बट हम यहाँ पर अपना सीक्रेट क्लू देखते हो। अच्छा यार, सीक्रेट क्लू तो बहुत ज़्यादा दूर है, बट कोई नहीं, यहाँ पर हम कोशिश करते रहे कि यहाँ से मतलब कि 800-900 किलोमीटर दूर है। बट जैसे मैं लैंडिंग कर रहा था मेरे पास भी यहाँ पर एक बंदा उतरा। अबे भाई, साबित क्या करना चाहता है यहाँ पर कोई, तुझे गनवन भी मिलेगी। बट देखो लैंडिंग भी कितनी ज़्यादा बेकार हुई थी, नहीं उसके पास हुई। चलो कोई नहीं, यहाँ से सीधा भागते हैं, नहीं तो वो गन जाएगा। चलो यहाँ से जल्दी भागो। और चलो भागते भागते जल्दी यहाँ पर कुछ लूट कर लेते हैं, बट हम तो कोई गन उठा ही नहीं सकते। चलो यहाँ पर इस बक्से को ओपन करते हैं एंड इसमें कुछ खास लूट नहीं है, तो यहाँ से हम बैग उठा लेते हैं एंड ये इनहेलर उठा लेते हैं, रिपेयर किट। चलो कुछ खास खास सामान तो हमने उठा लिया, बट यहाँ पर हम गन नहीं उठा सकते एंड कोई भी बंदा आके हमें धो के चला जा सकता है। बट कोई नहीं, सामने की तरफ हमें यहाँ पर एक वाहन मिल चुका है, बोले तो गाड़ी। चलो इस गाड़ी में बैठते हैं एंड यहाँ से सिंपली निकल लेते हैं। एंड यहाँ पर हम इसमें बैठ के यहाँ पर आए एंड यहाँ पर एक चेस्ट और मिल गई एंड इसमें यहाँ पर हमें पोर्टर मिल गई। चलो कोई नहीं, इसे हम यहाँ से उठा लेते हैं। एंड यहाँ पर हम मतलब कि ढेर सारी सुपर मेडिकिट कलेक्ट करने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर हम लास्ट जोन में हिल बैटल करने वाले हैं। अगर हमें यहाँ पर बुइया करनी है, उससे तो लास्ट सारा कोई सा है नहीं, या फिर मुक्के से मारने का 1-2% चांस है। बट कोई नहीं, यहाँ पर हम दोनों चांसों को गंवाएंगे नहीं, हम दोनों चांस ट्राई करेंगे। चलो सबसे पहले हम यहाँ पर अपना सीक्रेट क्लू लूटते हैं एंड इसमें कुछ खास लूट नहीं मिली, बट यहाँ से हम अपने जो मेन आइटम है वो उठा लेते हैं। यहाँ से Level 3 का वेस्ट और रिपेयर, मतलब ये सब मेन सामान उठा लेते हैं। और अब चलते सीधा हम यहाँ पर नेक्स्ट सीक्रेट क्लू के पास, बट नेक्स्ट सीक्रेट क्लू तो कहीं दिखाई नहीं। अच्छा, वो वहीं पर रह गया, मैं ठाना भूल गया। चलो कोई नहीं, यहाँ पर एक सेकेंड, इस तरफ आते हैं एंड ये रहा। अब यहाँ पर क्या कर रहा है, बैग में आते, एक सेकेंड। ओके चलो सबसे पहले हम यहाँ पर अपनी बाइक उठा लेते हैं एंड यहाँ से सिंपली निकल लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास कोई गन नहीं है और बंदा धोके चला जाएगा एंड हमें ये मैच निकालना है। भुया, अगर भुया नहीं निकाल पाए तो यहाँ पर हम चैलेंज हार जाएंगे। चलो कोई नहीं, यहाँ से हम अपनी गाड़ी को थोड़ा तेज भगाते हैं। अबे यार, कुछ 700-800 किलोमीटर की स्पीड पर नहीं भगती है गाड़ी। चलो कोई नहीं, एंड एक सेकेंड, अबे सामने की तरफ यहाँ पर हमें एक बंदा दिख गया। अबे भाई छोड़ दे, अबे गाड़ी पे गोली भी मार दी नोबड़े ने। चलो कोई नहीं, यहाँ से हम सिंपली निकल लेते हैं एंड यहाँ पर हमारे पास 800 टोकन हो चुके हैं, तो थोड़ी बहुत हम चैट से भी सुपर मेडिकिट कलेक्ट कर लेंगे। चलो यहाँ पर 1000 भी हो चुके हैं एंड यहाँ से सिंपली सबसे पहले बाइक ऊपर की तरफ चढ़ाते हैं। एंड कोई नहीं, यहाँ पर हमारी बाइक मतलब कि महेंद्र ट्रैक्टर से इंस्पायर है, तो ये चढ़ जाएगी, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। एंड यहाँ पर सबसे पहले हम चेस्ट के पास चलते हैं, क्योंकि हम यहाँ पर कुछ सुपर मेडिकिट भी लूटनी है। एंड यहाँ पर हम चेस्ट के पास आए थे एंड यहाँ पर Level 1 की चेस्ट में हमें यहाँ पर सुपर मेडिकिट तो नहीं मिली, बट मैंने जैसे ही रिफ्रेश किया जब भी नहीं मिली, एंड रिफ्रेश किया तब भी नहीं मिली, एंड जैसे ही रिफ्रेश किया। अब गाइस ये क्या है, जब हम मैच खेलते तब तो नहीं मिलते, बट कोई नहीं, यहाँ पर इसे भी रिफ्रेश करना पड़ेगा। एंड ओके, फाइनली यहाँ पर हमें एक सुपर मेडिकिट मिल चुकी है, बोले दो मिल चुकी है, बट दूसरी कलेक्ट करने के लिए हमें यहाँ पर टोकन की ज़रूरत पड़ने वाली है। अब गाइस टोकन कहाँ से लाए हम। चलो कोई नहीं, यहाँ से सबसे पहले हम सिंपली लूट कर लेते हैं एंड यहाँ पर हम भर के सुपर मेडिकिट कलेक्ट करने वाले हैं, इसीलिए तो मैं सीक्रेट क्लू एंड ये चेस्ट लूट रहा हूँ, क्योंकि लास्ट जो में हम हील बैटल कर लेंगे या फिर मुक्के से मार सकते हैं बंदे को। चलो कोई नहीं, यहाँ पर सबसे पहले हम सीधा अपने सीक्रेट क्लू के पास चलते हैं, बट उससे पहले यहाँ पर ऐसे हम वो बोले तो सुपर मेडिकिट भी उठा लेते हैं कुछ टोकन कलेक्ट करके। चलो कोई नहीं, हम सिंपली इसे उठा के निकलते हैं एंड यहाँ पर हम निकल के यहाँ पर ड्रॉप के पास आए, बट मुझे पता ही नहीं था यहाँ पर ड्रॉप के पास भी दो सुपर मेडिकिट मिल जाते हैं। चलो कोई नहीं, इन्हें भी यहाँ से उठा लेते हैं एंड हमने यहाँ पर ये सुपर मेडिकिट तो उठा ली, बट यहाँ पर हमारे पास टोटल 4 सुपर मेडिकिट हो चुके हैं। चलो कोई नहीं, यहाँ से सिंपली हम निकल लेते हैं, हमें कम से कम 20-25 सुपर मेडिकिट चाहिए एंड हम ये वाला वाहन यहाँ पर ट्राई करने वाले हैं, क्योंकि इसमें यहाँ पर डैमेज लेने की क्षमता बहुत ज़्यादा होती है, तो यहाँ पर डैमेज बहुत ही ज़्यादा कम खाता है, तो इस वजह से हम इसी वाहन का प्रयोग करने वाले हैं इस मैच में। एंड यहाँ पर इस वाली चेस्ट में देखते हैं हमें सुपर मेडिकिट मिलती है या फिर नहीं। एंड जैसे ही रिफ्रेश किया, भाई 3 चिप की MP5, गेम क्या साबित करना चाहता है कि रहना दो। अब चलो कोई नहीं, हम थोड़ा दुख के आगे इसे रिफ्रेश कर लेते हैं, बट इसमें सुपर मेडिकिट भी नहीं मिली। देखो किस्मत कितनी बेकार है,
सारा रिफ्रेश कर दिया बट सुपर मेडिकेट ही नहीं मिली। एंड सामने की तरफ भी एक एयर ड्रॉप पड़ा है, चलो यहाँ पर भी देख लेते हैं हमें सुपर मेडिकेट मिल जाए अगर हमारा लक अच्छा हुआ। चलो कोई नहीं, ये एयर ड्रॉप भी किसी ने नहीं लूटा, यहाँ पर भी हमें दो मिल गई, चलो यहाँ से सिंपली निकल लेते हैं, नहीं तो कोई भी बंदा आके यहाँ पर फिल करके चला जाएगा। एंड सबसे पहले हम अपना सीक्रेट क्लो भी लूटने वाले हैं क्योंकि उसमें यहाँ पर हमें एक सुपर मेडिकेट मिल जाएगी एंड यहाँ पर हमारे पास ऑलरेडी 6 सुपर मेडिकेट हो चुकी है। एंड यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर हम अपना सीक्रेट क्लू ओपन करते हैं एंड यहाँ पर हमें एक सुपर मेडिकेट मिल चुकी है, चलो कोई नहीं यहाँ से। एंड यहाँ पर हम अंदर की तरफ थोड़ी बहुत आस लगाए थे कि यहाँ पर भी हमें कोई सुपर मेडिकेट मिल जाए, बट किस्मत तो देखो कितनी बेकार है, कहीं पर भी हमें कहीं कोई मेडिकेट भी नहीं मिली, सुपर मेडिकेट तो दूरी बहुत, बट ये सीक्रेट क्लू कितना ज़्यादा दूर गया है, अब मैं इस सीक्रेट क्लू को क्या बोल सकता हूँ। चलो कोई नहीं, मैं इस घर में वैसे ही आया था, बट एक सेकंड, अबे यार सुपर मेडिकेट मिल गई, कोई नहीं यहाँ पर किस्मत भी थोड़ा बहुत साथ दे रही है। एंड यहाँ पर हमारे पास टोटल 8 सुपर मेडिकेट हो चुकी है, बट हमें यहाँ पर कम से कम 15 तो सुपर मेडिकेट कलेक्ट करनी है क्योंकि लास्ट जोन में अगर हम टीम अप भी करेंगे तो यहाँ पर हम सुपर मेडिकेट से, बट हम टीम अप नहीं करेंगे क्योंकि आज के टाइम पर कोई बंदा टीम अप नहीं करता, सब अपने भला चाहते हैं बोले तो रैंक उस। एंड यहाँ पर हम सिंपली निकल ही रहे थे बट निकलते निकलते हम पता नहीं कहाँ पहुँच गए, अभी तो यहीं पर है, बट अभी थोड़ी देर बाद हम थोड़ा लालच खा जाते हैं एंड सीधा मैं आ जाता हूँ यहाँ पर एयर ड्रॉप के पास, बट मुझे क्या पता था ये एयर ड्रॉप लूटा पड़ा है, जिस बंदे ने लूटा है वो यहीं पर बैठा है, तो इसलिए मैंने थोड़ा दिमाग चलाया एंड यहाँ से अपनी गाड़ी को थोड़ा फास्ट भगाया क्योंकि उस बंदे को मुझे फुल स्टैप आ गए थे, आपको तो वीडियो में नहीं आए होंगे, बट कोई नहीं यहाँ पर सिंपली हम यहाँ से गाड़ी लेकर निकल लेते हैं, नहीं तो वो बंदा हमें यहाँ पर उड़ा के भी जा सकता है। एंड यहाँ पर और ओके हम सबसे पहले अपनी सीक्रेट क्लू के पास चलते हैं क्योंकि वहाँ पर भी हमें एक सुपर मेडिकेट मिल जाएगी एंड कुछ भरोसा नहीं सीक्रेट क्लू हमारा जोन के अंदर ही बन जाए, बट यहाँ पर देखो पीक तो कितनी गंदी फाइट हो रही है। चलो कोई नहीं, यहाँ पर हम तो अपना सीक्रेट क्लू लूटने आए थे, बट सीक्रेट क्लू के चक्कर में मैं यहाँ पर पेटी में लूट करने लग गया एंड यहाँ पर जोन से भी बहुत ही ज़्यादा गंदा डैमेज पड़ रहा था, तो यहाँ पर मैंने सोचा कि एक सुपर मेडिकेट मेरी यहीं पर खर्च हो जाएगी क्योंकि मेरे पास नॉर्मल मेडिकेट तो है नहीं, तो इसलिए मैं लूटने नहीं गया, एक ही चीज़ दो भी खर्च हो सकती थी, बट मैंने दिमाग लगाया, मैं सोचने लग गया क्या लूटूं से, चलो कोई नहीं वहाँ से निकल लेते चुपचाप। एंड इसी एयरड्रॉप में थोड़ी बहुत आस लगाए बैठे हैं, अरे यार कोई नहीं गाइस इतनी खुशी, चलो कोई नहीं यहाँ से हमने सुपर मेडिकेट तो कलेक्ट कर लिया एंड इसी के साथ हमारे यहाँ पर 10 सुपर मेडिकेट हो भी चुकी है, बट यहाँ पर थोड़ा जूम पहले कर चुका हूँ मैं, कोई नहीं यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर टॉप 10 भी हो चुका है, चलो सिंपली सबसे पहले हम निकल लेते हैं क्योंकि यहाँ पर हमें जोन के बोले तो जोन के अंदर जाना है एंड ये मैच भुइयाँ निकालना है, बट लेफ्ट में बोले तो राइट में एक बंदा था अभी, कोई नहीं हमें तो यहाँ पर भुइयाँ निकालनी है, तो यहाँ पर हम बंदों को इग्नोर करते हैं क्योंकि हमारे पास यहाँ पर कोई गन भी नहीं है एंड सामने की तरफ एक बंदा लूट कर रहा है, बट इसे मैं यहाँ पर टक्कर मार के जाऊँगा तो पड़े टक्कर मार के जाऊँगा क्योंकि मैं इसे मार नहीं सकता क्योंकि इसके पास है वेपन और मेरे पास कोई गन या वेपन नहीं है, तो इस वजह से मैं इसे नहीं मार सकता। तो यहाँ पर तो अभी आस लगाए बैठे क्या हमारा मैच है और ये मैच रैंक मैच है, तो यहाँ पर रैंक मैच कैसे भुइया हो सकता है, अब आप सोच रहे होगे गाइस, कोई नहीं चलो सबसे पहले हम देखते हैं, कोशिश तो करते हैं, बट अगर हम इस चैलेंज को हार गए तो इसके बाद हम कभी भी चैलेंजिंग वीडियो नहीं बनाएंगे। एंड यहाँ पर सबसे पहले हम अपनी गाड़ी पार्क कर लेते हैं थोड़ा लेफ्ट में और राइट में, बट गाड़ी तो यहाँ पर पार्क हो ही नहीं रही एंड थोड़ा सा और मैंने यहाँ पर गाड़ी को इस तरफ लगाया क्योंकि मैं यहाँ पर थोड़े बहुत देर कैंप करना चाह रहा था क्योंकि मैं सोचा था यहाँ पर टॉप 5 हो जाए उसके बाद गाड़ी को यहाँ से हटाऊँ, तो मैंने यहाँ पर अपनी गाड़ी को पार्क किया एंड मैं सिंपल यहाँ पर बैठ गया क्योंकि मुझे यहाँ पर टॉप 5 का इंतजार था एंड बैठे बैठे बथेरा टाइम हो गया था एंड उसी के साथ यहाँ पर टॉप 7 भी हो गया था। चलो कोई नहीं, यहाँ पर सिंपली सबसे पहले हम निकल लेते हैं एंड यहाँ पर गाड़ी सिंपली हम नीचे नीचे की तरफ को लेकर जाने वाले हैं क्योंकि यहाँ पर ऊपर गए तो बंदे गाड़ी फोड़ सकते हैं एंड यहाँ पर हमारा भुइया करने का सपना यहीं पर टूट जाएगा। चलो कोई नहीं, यहाँ पर ऊपर की तरफ बंदे हैं एंड उन्हें मेरी गाड़ी की बोले तो लोकेशन मिल रही होगी, तो इसलिए मैं यहाँ पर सिंपली सबसे पहले एक काम करता हूँ, क्या बैठा रहूँ गाड़ी में, बट उन्हें लोकेशन मिल रही होगी, कोई नहीं यहाँ से हम गाड़ी से उतर लेते हैं, नहीं तो बंदे आके यहाँ पर हमारी गाड़ी फोड़ जाएंगे एंड मुझे भी किल कर जाएंगे। कोई नहीं चलो, यहाँ पर सबसे पहले हम थोड़ी बहुत देर यहीं कैंप करते हैं, यहाँ पर जोन भी यहीं पर बनना है, बट यहाँ पर मेरे अलावा 5 बंदे और लाइव बच रहे हैं। चलो कोई नहीं, यहाँ पर हम बैठे रहते हैं एंड यहाँ पर सबसे पहले हम गाड़ी को थोड़ा आगे ले जाते हैं क्योंकि जोन हमारे पास आ चुका है एंड यहाँ पर ओनली 4 बंदे बचे हैं, बट लास्ट जोन में यार 4 बंदे बचे, कोई नहीं यहाँ पर इन्हें भी फाइट लेने दो, जो आखिरी का बंदा बचा थोड़ा दिमाग जो लगा लेता हूँ, अगर जो आखिरी का बंदा बचेगा जैसे दोनों की फाइट होएगी तो यहाँ पर वो बंदा डैमेज रहेगा, मैं उसे गाड़ी से ठोक दूंगा तो गाड़ी से मतलब कि 130 का डैमेज पड़ जाएगा और वो पहले से मतलब कि 80-90 का डैमेज रहेगा, तो गाड़ी से किल हो जाएगा वो और मुझे मेरा भुइया भी हो जाएगा। अबे जितना मैं सोच रहा हूँ इतना होता ही नहीं, अभी तो पता लगेगा। और देखो ये बंदा कैसे भगा जा रहा है, कोई नहीं ये बंदा
लास्ट आ रहा है एंड देखते हैं ये उन्हें किल कर पाता है या नहीं। बट इन्हें एक बंदे किल कर पाया एंड ये यहाँ पर चुपचाप आके बैठ गया एंड देखते हैं यहाँ पर हम भैया निकाल पाते हैं या फिर नहीं। बट यार आज तो ऐसे लगाए बैठा हूँ, बट भैया निकल गई तो कितनी ज़्यादा खुशी मिल जाएगी एंड यहाँ पर हम ये चैलेंज भी जीत जाएंगे। बट आप कमेंट में और चैलेंज भी बता देना। तो कोई नहीं, यहाँ पर सबसे पहले हम गाड़ी के पास बैठे रहते हैं एंड थोड़ी सी मैं गाड़ी को थोड़ा आगे को ले जाता हूँ क्योंकि यहाँ पर कोई भी बंदा आ सकता है इस टाइम पे, क्योंकि यहाँ पर रिस्क बहुत ज़्यादा हो रहा है। एंड उसी के साथ मैं गाड़ी में थोड़ा सा इस तरफ को बैठ गया क्योंकि यहाँ पर मुझे थोड़ा वो डर भी लग रहा था। यहाँ पर ओनली मेरे अलावा दो बंदे बचे थे, उन दोनों को फाइट करने दो एंड सीधा मैं गाड़ी से ठोक दूंगा एक बंदे को। एंड देखो जैसे ही उन दोनों की गोली चलनी शुरू हुई, मैं भी गाड़ी लेके सिंपली उनके पास चला गया। बट यहाँ पर गाड़ी चढ़ी नहीं। अबे चढ़ जा गाड़ी। ओके ओके, गाड़ी भी सस्ता नखरे दिखा रहा है। चलो कोई नहीं यहाँ पर। अबे यार कोई नहीं, चलो सिंपली सबसे पहले गाड़ी को हम यहाँ पर ले चलते हैं। एंड यहाँ पर एक बंदा किल हो गया एंड मैं थोड़ा लेट हो गया, बट वो बंदा सिंपल यहाँ पर निकल गया। अब लास्ट सारा यही है क्योंकि मैंने फीमेल करेक्टर ले रखा है एंड मैं टीम अप कर लेता हूँ। और आपको तो पता है गाइस, फीमेल करेक्टर देख के बंदे कैसे हो जाते हैं, सब नर्वस हो जाते हैं। कोई नहीं, यहाँ पर हम टीम अप कर लेते हैं। एंड देखो इस बंदे ने टीम अप भी कर लिया वो कम चाचा ने, बट इसे क्या पता है यहाँ पर इसके साथ धोखा होने वाला है। मैंने यहाँ पर अपनी स्पाइडर करेक्टर की एबिलिटी यूज़ की एंड सिंपली इसे हेड शॉट जड़ते चला गया। एंड ओके फाइनली यहाँ पर हमारा बिना गन के ये चैलेंज कंप्लीट हो चुका है एंड इसी के साथ हमारा ये भैया भी हो चुका है। चलो कोई नहीं, यहाँ पर हम बैक करके देख लेते हैं हमें यहाँ पर रैंक मैच में कितना प्लस मिला है। एंड सबसे पहले रुको, यहाँ पर अपना इमोट मारते हैं क्योंकि वो बंदा यहाँ पर सोच रहा होगा। चलो कोई नहीं, यहाँ पर सबसे पहले बैक कर लेते हैं एंड यहाँ पर रैंक मैच में हमें यहाँ पर 32 का प्लस मिला।